Students, I'm going to teach you today your chapter number 10, that is pranayam breath control. तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है. My special focus today will be on pranayam. Pranayam and yoga has lots of benefits. यानी मेरा जो special focus है आज वो pranayam है और प्राणायाम और योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ओके, ये फादर बोल रहा है अपने बेटे से. देन योगा एंड प्राणायाम हेल्प्स कंट्रोल एसिडिटी, एलर्जी, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीजेस. ये तमाम तरह के डिजीजेज हैं जिसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है योगा. माई फैमिली वॉज ऑलवेज केप्ट बिजी डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू कीप द हाउस होल्ड गोइंग. ओके, यानी मेरी फैमिली हमेशा बिजी रहती है घर के तमाम कामों को करने में. देर वुड बी ऑल द कुकिंग, द प्रिपेयरिंग एंड इवन द ग्रोइंग ऑफ फूड. वहाँ सारा काम होता है, जैसे खाना पकाना, उसको तैयार करना और यहाँ तक कि ग्रोइंग ऑफ फूड यानी अनाज को उगाना. देर वॉज द क्लीनिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस. अंदर और बाहर घर के अच्छी तरह से साफ़ सफाई, कपड़ों की धुलाई एंड आवर क्लोथ्स एंड द रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ द हाउस एंड आउट हाउस. यानी घर को रिपेयर करना अंदर और बाहर से, हॉर्सेस जो हैं उनको उनकी भी केयर होती है और जो और एनिमल्स हैं उनके लिए खाना, उनकी साफ़ सफाई, उनको पानी देना, ये सारे काम होते हैं. और जो चिल्ड्रेन हैं घर के, उनका क्या काम होता है? स्टडी करना. और ये सारा जो वर्क है उसकी जो सुपरवाइज़र है वो कौन है? वो है घर की मदर. ओके स्टूडेंट्स, फादर वर्कड एट द टेम्पल एंड वी वुड ओनली सी हिम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. यानी फादर कहाँ वर्क करते हैं? वो एक टेम्पल में, मंदिर में काम करते हैं और हम उन्हें सुबह देखते हैं या फिर शाम को देखते हैं. और समटाइम्स यानी कभी कभी जब वो डे ऑफ ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो हमारी फैमिली पिकनिक के लिए जाती है. वी वुड ऑलवेज चूज टू वॉक डाउन बाय द रिवर एंड वी वुड फाइंड मैनी ब्यूटिफुल स्पॉट्स टू स्टॉप एट. यानी हम लोग जो है हमेशा वॉकिंग के लिए रिवर का किनारा चूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे वहाँ पर सुंदर सुंदर प्लेसेस मिलते हैं जहाँ पर हम रुक जाते हैं. We children would run off and play at the water's edge while mother and father enjoyed the beauty of the nature. यानी हम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो भाग कर जाते हैं वाटर के किनारे, जो समुद्र, जो रिवर का किनारा है वहाँ पर, और हमारे मम्मी पापा जो नेचर की ब्यूटी है उसको इंजॉय करते हैं. The under the shade of the tree and start doing his breathing exercise. The father, यानी फादर कहाँ जाते हैं? वो एक ट्री की शेड में जाते हैं, पेड़ की छाया में, और वहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं. ओके, वी वुड आस्क हिम व्हाट ही वाज डूइंग एंड ही वुड डायरेक्ट अस टू गो अवे एंड लीव हिम इन पीस. जब हम उनसे ये पूछते हैं, जब वे बच्चे उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे शांति में छोड़ दो. When we ask mother why he was breathing like that, she just said. और जब अपने मम्मी से हम पूछते हैं कि ये पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो सिर्फ बोलती है your father is drawing in good things from the air. यानी आपके पापा एयर की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर ले रहे हैं. He always feels better after doing his breathing practice. वो हमेशा जब ये breathing practice कर लेते हैं, breathing की exercise कर लेते हैं, तो उनको बहुत अच्छी feeling आती है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं. He does it every day, you know, but here by the river he likes to spend longer time at his breathing exercise. यानी यहाँ पर वो इस नदी के किनारे अपना लंबा समय बिताना चाहते हैं, उनको लंबा समय बिताना पसंद है और वहाँ पर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है. ऑन वन ओकेजन माई क्यूरियासिटी कुड नॉट बी रिट्रेन्ड, वी हैड ऑल गैदर टू ईट अवर मील्स. यानी एक ऐसा अवसर था जब हमारी जो क्यूरियासिटी थी उसको हम रोक नहीं सके और हम सब इकट्ठा हो गए
क्या खाने के लिए, पूरा अपना जो हम लेके गए थे वहाँ पिकनिक स्पॉट पे खाने की चीज़ें उसको खाने के लिए हम इकट्ठा हो गए। और मैंने अपने फादर से पूछा व्हाट इज़ इट इन द एयर यू लाइक टू मच। ओके, यानी फादर एयर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कैन वी गेट सम टू, क्या हम भी उससे कुछ ले सकते हैं। डू वी नीड इट, क्या हमें भी इसकी ज़रूरत है। आर यू डिफरेंट फ्रॉम अस, क्या आप हमसे अलग हैं। तो फादर बोलते हैं आह माई सन यू मस्ट नो द बेनिफिट्स ऑफ ब्रीदिंग एयर डीपली, आपको जो डीपली एयर को अंदर लेने की जो बेनिफिट्स हैं उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। यस यू सर्टनली कैन डू इट टू, यस आपको भी ये बिल्कुल करना चाहिए। बट नॉट वाइल यू आर ईटिंग माई चाइल्ड, यानी आपको बिल्कुल करना चाहिए लेकिन तब नहीं जब आप खा रहे हों। देर इज़ अ वंडरफुल थिंग कॉल्ड प्राणा और लाइफ फोर्स एनर्जी विच इज़ इन द एयर, यानी एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है जिसको हम प्राण बोलते हैं और लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं जो कहाँ है, एयर के अंदर है। द स्लोअर एंड डीपर वी ब्रीद द मोर प्राण वी गेट इन आवर बॉडीज, यानी जितना स्लो और डीपर यानी गहराई तक हम ब्रीदिंग करते हैं उतनी ज़्यादा ये जो प्राण है, प्राण वायु है, वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस प्राण कीप्स अस काम एंड इट कीप्स अस हेल्दी, ये जो प्राण है ये हमें शांत रखता है और हमें हेल्दी बनाता है। चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ प्राणा इन टू दैम वेन दे रन अराउंड एंड प्लेज, यानी जो बच्चे होते हैं इनके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में ये प्राण जाता है जब ये दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ओके चिल्ड्रेन डू ऑल दीज थिंग्स मच मोर देन एडल्ट्स डू, यानी जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा ये इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जब ये तमाम तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। व्हेन यू गेट ओल्डर यू नीड टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू मेक श्योर यू गेट एनफ प्राण, यानी जब आप बड़े होगे, फादर बताते हैं कि जब आप बड़े होगे तो अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तब आपके अंदर अच्छी तरह से ये प्राण वायु अंदर जा पाएगी। इफ़ यू डू नॉट यू मे बिकम वीक एंड इल, अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे और बीमार हो जाओगे। स्टूडेंट्स यू विल नेवर बी दैट ओल्ड फादर सेड माई सिस्टर लाफिंग, यानी वो जो बच्चा है उसकी बहन ने हंसते हुए बोला, मेरी बहन ने हंसते हुए बोला कि पापा आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। एवरीवन लाफ्ड एंड व्हेन वी हैड फिनिश्ड फादर शोड अस, सब हंसने लगे और जब हमने अपना पूरा लंच फिनिश किया तो पिता ने हम लोगों को दिखाया, पापा ने हम लोगों को दिखाया हाउ टू मेक अ रीड पाइप एंड ब्लो स्ट्रिंग ऑफ बबल्स इनटू द रिवर इनटू द वाटर, यानी ये देखो किस तरह से नदी में खूबसूरत पानी जो है ये बुलबुलों के ज़रिए चल रहा है। दिस इज़ हाउ आई लर्न्ड टू ब्रीथ स्लोली, ये वो चीज़ है जिससे मैंने ये सीखा है कि कैसे धीरे धीरे जो है ब्रीदिंग करनी चाहिए। ही सेड एज ही शोड अस बबल्स राइजिंग वन आफ्टर अनदर क्वाइट स्लोली ऑन अ फाइन स्ट्रीम, और उन्होंने बताया कि और उन्होंने बताया और दिखाया कि किस तरह से रिवर पर ये छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो स्लोली स्लोली चल रहे हैं और बहुत ही सुंदर और क्लियर स्ट्रीम बन रही है, पानी की धारा बन रही है। और विच केम आउट ऑल ऑफ रश, जो बिल्कुल शोरगुल से बहुत दूर है और वाटर सरफेस पर हमें दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स।